हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून। कैसे हो? होप करता हूँ आप सब लोग अच्छे ही होंगे। सो फ्रेंड्स, यूपी ट्रिपल सी पेट एग्जाम की स्पेशल क्लास में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। सभी लोग एक बार कमेंट करेंगे कि वॉइस क्लियर आ रही है, सभी लोग बता देंगे एक बार। चलिए स्टार्ट करें क्लास को भाई। सभी लोग यस लिखेंगे सभी लोग। चलिए 8 सितंबर की स्पेशल क्लास में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। पिछली क्लास आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी, तो एक बार सभी लोग प्लेलिस्ट जरूर से ज़रूर चेक कर लेंगे। उसमें आपको सिलेबस का वीडियो, एग्ज़ाम पैटर्न का वीडियो और भी क्लासेस आपको मिल जाएंगे। एंड पिछली बार जो पेट का एग्ज़ाम हुआ था, चारों शिफ्ट के मैं क्वेश्चन सॉल्व करवा दिया हूँ। ओके, तो जाके आप लोग देख सकते हैं बिल्कुल फ्री में। इसके अलावा फ्री PDF चाहिए तो टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करें। टेलीग्राम ग्रुप का नाम है एजुकेशन बी साहिल। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया हूँ। और ये क्लास का टाइमिंग आप सब लोग देख सकते हैं। ये 149 वाला क्रैश कोर्स अभी तक आप लोग परचेज नहीं किए तो परचेज कर लेना। वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया हूँ, क्योंकि एग्जाम डेट आ गई है। कम समय में आप लोग अपनी बेहतरीन तैयारी कर सकते हैं। इसमें आपको सभी सब्जेक्ट के टॉपिक वाइज नोट्स एंड 5 प्रैक्टिस सेट बिल्कुल फ्री दिए जा रहे हैं। पेट एग्जाम के प्रीवियस पेपर भी आपको मिल जाएंगे, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, फटाफट परचेज कर सकते हैं। चलिए पहला प्रश्न आ गया है, सभी लोग जवाब देने का प्रयास करेंगे भाई। गुड आफ्टरनून सभी को, गुड आफ्टरनून। पहला प्रश्न क्या है? शिवाजी का गुरु कौन था? बताएंगे सब लोग। नामदेव थे या एकनाथ या रामदास या तुकाराम? बहुत अच्छे जी। हाँ, डेली क्लास चलती है बिल्कुल फ्री में, आप लोग क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। बस चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर लेना है, ताकि जो भी क्लास है, जो भी अपडेट है, उसका नोटिफिकेशन आपको टाइम टाइम से मिलता रहे। सब लोग जवाब देंगे सब लोग। शिवाजी के जो है गुरु कौन थे? तो शिवाजी के जो गुरु थे वो थे आपके रामदास, ठीक है ना। पहला का बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। शिवाजी का जो जन्म हुआ था 1627 में हुआ था। कभी कभी एग्जाम में पूछ लेता है, तो याद रखना पूना के निकट में जो है इनका जो है दुर्ग में जन्म हुआ था 1627 में। इनके पिता का नाम शाहजी भोसले था एंड माता का नाम जो है जीजाबाई था। इतना शिवाजी के बारे में आपको पता होना चाहिए। अगला प्रश्न है, ऋग्वेद का जो है कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी लोग जवाब दीजिए। ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है? सातवा मंडल या नौवा मंडल या आठवा मंडल या दसवा मंडल? तो ध्यान रखना, ऋग्वेद में कुल कितने मंडल हैं? 10 मंडल हैं। ओके, अब इसमें जो है कौन सा मंडल सोम को समर्पित है? तो वो आपका है नौवा मंडल। कौन सा है? नौवा मंडल जो है सोम को समर्पित है। दूसरा का सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और ऋग्वेद की अगर हम बात करें, चारों वेद में जो आपका सबसे प्राचीन वेद है आपका ऋग्वेद है, ठीक है। और भी यजुर्वेद हो गया, अथर्ववेद हो गया, ठीक है। ये वेद के नाम आपको याद होने चाहिए, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पर देख सकते हैं, सैंधव सभ्यता का महान स्नानागर कहाँ से प्राप्त हुआ था? सैंधव सभ्यता का महान स्नानागर कहाँ से प्राप्त हुआ था? मोहनजोदड़ो से या लोथल से या हड़प्पा से या कालीबंगा से? जितना सिलेबस में दिया है उतना आपको पढ़ना है, फालतू की चीज़ें आपको नहीं पढ़नी है। चलिए बताइए सभी लोग, सैंधव सभ्यता का महान स्नानागर कहाँ से प्राप्त हुआ था? ये प्राप्त हुआ था मोहनजोदड़ो से। 3 का ई आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, निम्नलिखित में से कौन सा शोमेली थे इसमें? 4 का जवाब देने का प्रयास करेंगे, सभी लोग वीडियो को लाइक भी कर देंगे। चलिए बताइए, निम्नलिखित में से कौन सा शोमेली थे इसमें? 4 का जवाब देने का प्रयास करेंगे इसमें। बहुत अच्छे, तो इसमें केवल यही वाला शमसे सिराज आफिव तारिक ए फिरोज शाही, यही आपका बिल्कुल करेक्ट है। ओके, चलिए अगला प्रश्न है, दीन ए इलाही एक नया धर्म निम्नलिखित में से किसके द्वारा शुरू किया गया था? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए, सीधे एग्जाम में छपने वाला प्रश्न है। सभी लोग जवाब दीजिए, दीन ए इलाही एक नया धर्म निम्नलिखित में से किसके द्वारा शुरू किया गया था? हुमायूं के द्वारा, जहांगीर के द्वारा, शाहजहां के द्वारा या अकबर के द्वारा? तो इस धर्म की शुरुआत कब की गई थी? 1582 में। किसके द्वारा की गई थी? अकबर के द्वारा की गई थी। यहाँ पे 5 का सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न, बुद्ध किस वंश से संबंधित थे? बुद्ध जो है किस वंश से संबंधित है? ज्ञात्रक, शाक्य, मौर्य या कुरु वंश से?
तो गौतम बुद्ध जो थे वो जो है इनका संबंध जो था शाक्य वंश से था। ठीक है, थोड़ा सा गौतम बुद्ध जी के बारे में आपको बता दे रहा हूँ। जैसे इनका जन्म लुम्बिनी में हुआ था, नोट कर लेना, लुम्बिनी में इनका जन्म हुआ था। 29 वर्ष की अवस्था में ये ग्रह त्याग दिए थे और 35 वर्ष की अवस्था में इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। कहाँ प्राप्ति हुई थी? बोधगया बिहार में, पीपल वृक्ष के नीचे। और ये अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिए थे? सारनाथ में दिए थे। सर्वाधिक उपदेश कहाँ पर दिए थे? श्रावस्ती में दिए थे। अधिक वर्षा होने के कारण यह श्रावस्ती में अधिक उपदेश दिए थे। ओके, इनके पहले गुरुग्राम अलारग्राम और इनकी पहली महिला शिष्य कौन थी? प्रजापति गौतमी, जो कि इनकी जो है मौसी थी, जो इनका जो है लालन पोषण किए थे। और कुशीनगर में इनकी मृत्यु हुई थी, जिसे महापरिनिर्वाण के नाम से जाना जाता है। ओके, इतना आपको याद रखना है। और गौतम बुद्ध जी के जो है बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ था। और उधर कन्फ्यूज मत होना, महावीर स्वामी के पिता का नाम भी सिद्धार्थ था। ठीक है ना, चलिए बहुत अच्छे। अगला प्रश्न यहाँ पे देख सकते हैं, किस वायसराय की हत्या अंडमान निकोबार द्वीप समूह में जब वे भ्रमण पर थे एक दंडित अपराधी द्वारा की गई थी? बताइए वो कौन से वायसराय है भाई? सेवन का जवाब दीजिए सब लोग, सेवन का जवाब देने का प्रयास करेंगे। तो वो वायसराय जो थे वो थे आपके लॉर्ड मेयो। ठीक है, लॉर्ड मेयो से रिलेटेड जो क्वेश्चन बनते हैं उनको मैं बता दे रहा हूँ। जैसे लॉर्ड मेयो के शासनकाल में जो है पहली जनगणना हुई थी, कब हुई थी? 1872 में हुई थी। ठीक है, और 1881 में नियमित जनगणना की शुरुआत हुई थी। नियमित जनगणना की शुरुआत किसके शासनकाल में? लॉर्ड रिपन के शासनकाल में। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न यहाँ पर देख सकते हैं, निम्नलिखित में से जो है किसने निकास के सिद्धांत का प्रतिपादन किया? दादाभाई नौरोजी, गोपाल कृष्ण गोखले, लोकमान्य तिलक या मदन मोहन मालवीय? एट का जवाब दीजिए सब लोग, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। सभी लोग एट का जवाब देने का प्रयास करेंगे। आंसर सोचने का ज़्यादा समय चाहिए तो आप लोग वीडियो को रोक भी सकते हैं। तो निम्न में से किसने निकास के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था? भाई दादा भाई नौरोजी, इन्हें जो है ग्रैंड ओल्ड मैन के नाम से भी जाना जाता है। आठ का ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन काकोरी कांड से संबंधित नहीं थे? बताइए भाई, काकोरी कांड से संबंधित नहीं थे कौन? रामप्रसाद बिस्मिल, सूर्यसेन या राजेंद्र लाहड़ी या अशफाक उल्ला खान? तो इसमें रामप्रसाद बिस्मिल, राजेंद्र लाहड़ी, अशफाक उल्ला खान, ये तीनों जो है संबंधित थे। इनका संबंध काकोरी कांड से है, सूर्यसेन का जो है संबंध नहीं था। अब आप लोगों से प्रश्न है, काकोरी कांड हुआ कब था? बताइए सब लोग, काकोरी ट्रेन कांड जो है कब हुआ था? ये हुआ था, डेट नोट कर लेना, 9 अगस्त 1925 को। कब हुआ था? 9 अगस्त 1925 को हुआ था। बहुत बार एग्जाम में ये पूछा गया है। चलिए, भारत छोड़ो आंदोलन के समय जो है इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? सभी लोग जवाब देने का प्रयास करेंगे, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? तो भारत छोड़ो आंदोलन के समय जो है इंग्लैंड के जो प्रधानमंत्री थे वो थे चर्चिल, विंस्टन चर्चिल। ठीक है, और भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? 1942। ठीक है ना, 1942। चलिए अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में सबसे जो है बड़ा नदी द्वीप है, ये आपको बताना है। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में सबसे बड़ा नदी द्वीप है? माजुली द्वीप या गुंडू द्वीप या दीव द्वीप या दीवर द्वीप? 11 का जवाब दीजिए सब लोग, बहुत अच्छे। तो भारत में जो सबसे बड़ा जो आपका नदी द्वीप है वो आपका कौन सा है? वो है माजुली द्वीप। 11 का ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ये कहाँ स्थित है माजुली द्वीप? ये असम राज्य में स्थित है। ओके, चलिए अगला प्रश्न आप देख सकते हैं, सहारा अफ्रीका के किस हिस्से में स्थित है? सहारा अफ्रीका के किस हिस्से में स्थित है? पूर्वी, उत्तरी, पश्चिमी या दक्षिणी? 12 का जवाब देने का प्रयास करेंगे सब लोग, सहारा अफ्रीका के किस हिस्से में स्थित है? ये स्थित है उत्तरी हिस्से में। ओके, 12 का सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट का नेपाल में एक लोकप्रिय नाम क्या है? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए। सभी लोग 13 का जवाब दीजिए, दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट का नेपाल में एक लोकप्रिय नाम क्या है? बताइए सब लोग, क्या है एक लोकप्रिय नाम? तो इसे जो है सागर माथा के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? सागर माथा के नाम से जाना जाता है। इसकी ऊंचाई अक्सर एग्जाम में पूछी जाती है, तो 8848
अगर 8848 ऑप्शन में है तो इसको टिक करना है, अगर 8850 आ गया तो वो भी, बट दोनों में से एक ही पूछा जाएगा, तो दोनों आप लोग याद रखिएगा, 8848 8850। चलिए अगला प्रश्न है, गंगा डेल्टा के मैंग्रोव वनों को क्या कहा जाता है, बताइए सब लोग, गंगा डेल्टा के मैंग्रोव वनों को क्या कहा जाता है, मानसून वन, सदाबहार वन, सुंदर वन या गुल्म वनस्पति। गंगा डेल्टा के मैंग्रोव वनों को क्या कहा जाता है, उसे कहा जाता है सुंदरबन। क्या कहा जाता है? सुंदरबन कहा जाता है, ओके ना, सुंदरबन के नाम से जाना जाता है। 14 का बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो लगा। नीली क्रांति का संबंध किससे भाई, बताएंगे सब लोग, नीली क्रांति का संबंध किससे है, मछली उत्पादन से, तेल उत्पादन से, दुग्ध उत्पादन से, खाद्यान्न उत्पादन से। तो दुग्ध उत्पादन का संबंध तो श्वेत क्रांति से है, और श्वेत क्रांति के जनक कौन माने जाते हैं, वर्गीज कुरियन माने जाते हैं। हरित क्रांति के जनक कौन माने जाते हैं भारत में, एम एस स्वामीनाथन। और नीली क्रांति का जो संबंध है मछली उत्पादन से है, यहाँ पे 15 का ये आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ऑपरेशन फ्लड किस कार्य से संबंधित है, ऑपरेशन फ्लड किस कार्य से संबंधित है, ऑपरेशन फ्लड किस कार्य से संबंधित है भाई, 16 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। तो ऑपरेशन फ्लड का जो संबंध है दुग्ध उत्पादन से है, 16 का ई आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। विश्व में हरित क्रांति के जनक कौन माने जाते हैं, अगर देखिए भारत में पूछे तो एम एस स्वामीनाथन, और विश्व में हरित क्रांति के जनक पूछे तो नॉर्मन ई बोरलॉग माने जाते हैं विश्व में हरित क्रांति के जनक। यहाँ पे 17 का ये आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब आप लोगों से प्रश्न है कि भारत में हरित क्रांति की शुरुआत कब हुई थी, सभी लोग कमेंट बॉक्स में छापेंगे। चलिए अगला प्रश्न है, किस देश ने वस्तु एवं सेवा कर सबसे पहले लागू किया था, जर्मनी, फ्रांस, यूएसए या कनाडा। 18 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। जीएसटी सबसे पहले किस देश में लागू किया गया था, किस देश ने लागू किया, तो जीएसटी सबसे पहले लागू किया गया है फ्रांस में। कहाँ? फ्रांस में। कब लागू किया गया है? 1954 यानी कि 1954 में जो है फ्रांस में सबसे पहले लागू किया गया है। अगला प्रश्न यहाँ पर देख सकते हैं, बुल और बियर शब्द किस में उपयोग किए जाते हैं, टोल टैक्स में या चुंगी कर में या ओवरड्राफ्ट में या शेयर बाजार में। सभी लोग जवाब देने का प्रयास करेंगे, बुल और बियर शब्द किस में उपयोग किए जाते हैं, तो ये उपयोग किए जाते हैं शेयर बाजार में। 19 का डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। एनडीसी यानी कि राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना कब हुई थी, 1954 या 1952 या 1956 या 1953, बताइए सब लोग, राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना कब हुई थी, 1952 में हुई थी, ठीक है, इसका मुख्यालय न्यू दिल्ली में है, याद रखना। अगला प्रश्न यहाँ पे देख सकते हैं, 11 दिसंबर 1946 को किसे संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष चुना गया था, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए, 11 दिसंबर 1946 को किसे संविधान सभा का अस्थायी जो है स्थायी यहाँ पे पूछा जा रहा है, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है चुने गए थे, अस्थायी पूछे तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, ओके। चलिए बहुत अच्छे, भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है, सीधे एग्जाम में छपने वाले प्रश्न हैं, तो भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है, धार्मिक स्वतंत्रता को या समानता के अधिकार को, संवैधानिक उपचारों का अधिकार को या प्रस्तावना को, तो नोट कर लेना, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की आत्मा जो कहा जाता है प्रस्तावना को कहा जाता है। 22 का डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न, भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए न्यूनतम निर्धारित आयु कितनी है, 21 वर्ष, 40 वर्ष या 30 वर्ष या 35 वर्ष। देखिए अगर राज्यपाल की बात करें, उपराष्ट्रपति की बात करें, राष्ट्रपति की बात करें तो 35 वर्ष, कितनी, 35 वर्ष। 23 का डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए राज्यसभा के लिए जो है नमित यानी कि निर्वाचित प्रथम फिल्म अभिनेत्री कौन थी, नरगिस दत्त, हेमा मालिनी, वैजंती माला या जय ललिता। 24 का राइट आंसर बताने का प्रयास करेंगे, और सभी लोग यार वीडियो को लाइक कर दिया करो, लाइक करने से कुछ भी नहीं मिलता है, बस थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है, और भी आप लोगों के प्रति मेहनत करने का मन करता है और अच्छा कंटेंट देने का मन करता है। तो राज्यसभा के लिए नमित प्रथम फिल्म अभिनेत्री जो थी वो थे भाई कौन, नरगिस दत्त हैं, ठीक है। चलिए बहुत अच्छे, लोक लेखा समिति अपनी वार्षिक रिपोर्ट किससे पेश करती है, राष्ट्रपति, संसद या राज्यसभा या लोकसभा। 25 को जवाब दीजिए सब लोग, सभी को गुड आफ्टरनून भाई, सभी को गुड आफ्टरनून, यहाँ पे लोकसभा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 25 का डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पे देख सकते हैं, वाहन चालन हेतु पश्च दृश्य दर्पण होता है, साधारण होता है या उत्तल होता है या अवतल होता है या प्रतिलोमित होता है। तो देखिए जो वाहन के साइड में जो मिरर लगे होते हैं उसमें जो है कौन सा दर्पण होता है, तो उत्तल दर्पण होता है। ये बहुत रिपीटेड क्वेश्चन है, कई बार कई एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, तो यहाँ पे 26 का जो है आपका सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। लोहे पर जंग लगना किसका एक उदाहरण है, क्षरण का, ज्वलन का, द्रोण का या वाष्पीकरण का। सभी लोग 27 का जवाब देने का प्रयास करेंगे, लोहे पर जंग लगना किसका एक उदाहरण है, तो ये एक जो है क्षरण का एक उदाहरण, किसका, क्षरण का।
एक क्वेश्चन और एग्जाम में पूछा जाता है, साइंस इसी से संबंधित है, जब लोहे पे जंग लग जाता है तो उसके वजन में क्या होता है, वजन क्या होता है, घट जाता है या बढ़ जाता है या परिवर्तित रहता है, तो बढ़ जाता है, अगर लोहे में जंग लग जाएगा तो उसका भार बढ़ जाएगा। अगला प्रश्न है, हाइड्रोजन बम किस नाभिकीय अभिक्रिया पर आधारित है, हाइड्रोजन बम किस नाभिकीय अभिक्रिया पर आधारित है, 28 का जवाब देने का प्रयास करेंगे सब लोग। हाइड्रोजन बम किस नाभिकीय अभिक्रिया पर आधारित है, ये आधारित है ताप नाभिकीय संलयन पर, 28 का ये आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है बताएंगे सब लोग, विटामिन सी की कमी से होता है स्कर्वी, विटामिन ए की कमी से होता है रतौंधी, विटामिन बी की कमी से होता है बेरी बेरी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसे अनुवंशिकी का जनक कहा जाता है, सीधे एग्जाम में छपने वाला प्रश्न है, अनुवंशिकी का जनक किसे कहा जाता है, मेंडल को कहा जाता है। ओके चलिए अगला प्रश्न, हिंदी के प्रश्न स्टार्ट हो गए, स्थावर का विलोम क्या होगा भाई, स्थावर का विलोम शब्द क्या होगा, सचल चेतन चंचल या जंगम, तो यहाँ पे स्थावर का जो विलोम होगा वो क्या होगा, जंगम हो जाएगा। अगला प्रश्न, तुलसीदास किसकी कविता है, तुलसीदास किसकी कविता है, तुलसीदास किसकी कविता है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की है, 37 का डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। निम्न में से पुल्लिंग शब्द का चयन कीजिए आप लोग, पुल्लिंग शब्द का चयन करें आप लोग, 38 का जवाब दीजिए, पुल्लिंग शब्द का चयन करना है आपको यहाँ पे, पहिया, पहिया जो आपका शब्द है ये पुल्लिंग शब्द है। ओके चलिए, नाक रगड़ना का क्या अर्थ है बताएंगे सब लोग, नाक रगड़ना का क्या अर्थ है, नाक में चोट लगना, इज्जत देना, दीनतापूर्वक प्रार्थना करना या चापलूसी करना, तो नाक रगड़ना का जो अर्थ होता है वो होता है दीनतापूर्वक प्रार्थना करना, 39 का सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जो एक स्थान पर टिक कर नहीं रहता, वाक्य के लिए एक शब्द कौन सा होगा, अस्थिर होगा, अडिग होगा, यायावर होगा या गतिशील होगा बताएंगे सब लोग, 40 के जवाब देने का प्रयास करेंगे। जो एक स्थान पर टिक कर नहीं रहता, वाक्य के लिए जो शब्द होगा वो होगा यायावर। ओके 40 का सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पे देख सकते हैं, स्टेट जीके के क्वेश्चन है, सोमनाथ मंदिर किस राज्य के तट पर स्थित है बताइए, सोमनाथ मंदिर किस राज्य के तट पर स्थित है, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, गोवा या गुजरात, तो सोमनाथ मंदिर किस राज्य के तट पर स्थित है, ये आपका स्थित है गुजरात राज्य के तट पर स्थित है सोमनाथ मंदिर। 61 का आपका डी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसे रेवोल्यूशन 2020 पुस्तक लिखी, किसने जो है ये बुक लिखी है रेवोल्यूशन 2020, चेतन भगत ने, रूपा पई ने या अरविंद केजरीवाल जी या देवदत्त पटनायक जी। 62 का जितने भी लोग यहाँ पे ए जवाब दे रहे हैं, चेतन भगत, उनका आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, यूरोपीय संघ की साझी मुद्रा को क्या नाम दिया गया है बताइए सब लोग, यूरोपीय संघ की साझी मुद्रा को क्या नाम दिया गया है, यूरो नाम दिया गया है, क्या नाम दिया गया, यूरो। 63 का बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। भारतीय सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय कहाँ स्थित है, भारतीय सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय कहाँ स्थित है, देहरादून, नई दिल्ली, हैदराबाद या जयपुर, देहरादून में स्थित है। 64 का ई आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ज्ञानपीठ पुरस्कार के प्रथम विजेता कौन थे भाई, सभी लोग जवाब दीजिए, ज्ञानपीठ पुरस्कार के प्रथम विजेता कौन थे, तो ज्ञानपीठ पुरस्कार के जो प्रथम विजेता थे वो थे आपके जो हैं जी शंकर कुरुप। 65 का बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कौन सा दिन अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस है, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है, 10 दिसंबर को, 25 नवंबर को, 24 अक्टूबर को या इनमें से कोई नहीं। 66 का ए आपका बिल्कुल करेक्ट होगा, 10 दिसंबर को प्रत्येक वर्ष अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस मनाया जाता है। 66 का ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस राज्य की भूमि भारत के पूर्वी और पश्चिमी तटों पर है बताइए, किस राज्य की भूमि जो है भारत के पूर्वी और पश्चिमी तटों पर है, पौंडीचेरी, केरल, आंध्र प्रदेश या महाराष्ट्र, तो पौंडीचेरी राज्य की भूमि जो है भारत के पूर्वी और पश्चिमी तटों पर है। 67 का ये आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, यहाँ पे देख सकते हैं, डॉक्टर भारती राज में विवाह के दौरान लोकप्रिय लोकनृत्य विया हुला गिद्दा किया जाता है कहाँ, झारखंड, पंजाब, गुजरात या उड़ीसा में, ये किया जाता है पंजाब में। 68 का बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न, मधुबनी चित्रकला भारतीय चित्रकला की एक शैली है जो भारत के किस राज्य के मिथिला क्षेत्र में प्रचलित है बताइए, ये सीटेट में क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। अगर आप लोग टीचिंग एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये मधुबनी जो चित्रकला है ये बिहार राज्य की है। चलिए, अक्टूबर से दिसंबर में जो है मनाया जाता है। बड़ा इमामबाड़ा कहाँ है, बड़ा इमामबाड़ा
ये आपका है लखनऊ में, ठीक है, 70 का ये आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सो फ्रेंड्स, ये थी आज की क्लास। कैसी लगी क्लास कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक जरूर देना, और क्रैश कोर्स से रिलेटेड कुछ भी जानकारी चाहिए तो ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है 7905632533 पे आप लोग मुझे व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं, और अपना स्कोर जरूर बताइएगा 45 में से जितने भी क्वेश्चन आपके करेक्ट हुए हों। ओके, थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ऑल पे प्रेस करें ताकि जो भी क्लास आए उसका नोटिफिकेशन आपको टाइम टाइम से मिलता रहे। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।